मेरा नाम डॉक्टर जयेश गोरी है, मैं कैंसर सर्जन है, मैं मुंबई में थाना में कैंसर सर्जरी करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्जिकल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको आपने भी सुना रहेगा। बहुत सारे सर्जन सभी वर्ड यूज़ करते हैं CRS, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो CRS का अगर लॉन्ग फॉर्म देखते हैं तो इसको बोलते हैं साइटो रिडक्टिव सर्जरी। सो ये साइटो रिडक्टिव सर्जरी क्या है? साइटो मतलब सेल्स जो रहते हैं, स्पेशली कैंसर सेल्स जो आँख से दिखते हैं और जो माइक्रोस्कोपिकली रहते हैं और जो प्रोबेबल साइट ऑफ एरिया का डिपोजिशन है, वो सबको सब निकालना, उसको रिडक्शन करना, इट्स कॉल्ड साइटोरिडक्टिव सर्जरी। सो ये साइटोरिडक्टिव सर्जरी किस किस केसेस में करनी चाहिए और किस किस केसेस के लिए वैलिडिटी है वो मैं बताऊँगा। ये साइटोरिडक्टिव सर्जरी आज जो कॉमनली जो जिस किस के लिए करते हैं हम, वो है ओवेरियन मैलिग्नेंसी। ओवेरियन मैलिग्नेंसी मतलब अंडरकोस का कैंसर, कोलोन कैंसर, रेक्टम कैंसर, स्टमक का कैंसर जो होता है वो, और प्राइमरीली अगर देखेंगे तो पेरिटोनियम का मैलिग्नेंसी रहता है, जो मेसोथेलियमा भी हो सकता है और सुडोमैक्सिमा पेरिटोना है और अपेंडिकुलर मैलिग्नेंसी, और थोड़े से अटिपिकल्स कैंसर्स हैं उनके लिए भी ये सर्जरी सजेस्ट की गई है और इस सर्जरी का बेनिफिट पाया गया है। सो ये सर्जरी क्या स्मॉल सर्जरी में आती है, क्या मेजर सर्जरी में आती है? ये सर्जरी यूजुअली सुप्रा मेजर सर्जरी हम उसको बोलते हैं, क्योंकि ये सर्जरी यूजुअली एडवांस मैलिग्नेंसी के लिए और एडवांस कैंसर के लिए की जाती है। इसका क्या बेनिफिट है? यस, इस पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहले सिमिलर केसेस जो रहते थे उनको स्टेज फोर माना जाता था और एडवांस स्टेज थ्री जो माना जाता था, और उसके ऊपर सिर्फ इलाज होता था, सिर्फ कीमोथेरेपी होता था और उसमें कभी क्योर नहीं कर सकते थे। बट डेवलपमेंट का भी रिसेंट 20-25 ईयर से बहुत सारे सर्जन्स लोग ने इस पर बहुत ज़्यादा सर्जिकल मॉडिफिकेशन करके इसका अच्छा वर्जन निकाला और अच्छा कोशिश करके सर्जरी काफ़ी बेटर की है। इसके लिए वो साइटोरिडक्टिव सर्जरी में आज ये एडवांस जो कैंसर वाले पेशेंट हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं, उनको भी हम बोल सकते हैं कि नहीं, आप बीमारी से क्योर होने की आपकी शक्यता है। पहले जो सिचुएशन में ऐसा था कि ये बीमारी कभी हम बोल ही नहीं सकते थे कि निकलेगा, बट आज का सिनेरियो में हम वो सब चीज़ों को भी बोल सकते हैं कि पेशेंट अभी क्योर कर सकते हैं। बट ये किस चीज़ पे निर्भर करता है वो मैं आपको थोड़ा ग्रेजुअली मेरे सब्सिक्वेंट वीडियो और आज का केस में आपको डिटेल बताते रहूँगा। इसमें क्या क्या निकालते हैं, से एक एग्जांपल के अगर बताऊँगा तो, मैं अगर समझ लो हम ओवरी का कैंसर करते हैं तो नॉर्मल ओवरी सर्जरी में क्या करते हैं, ओवरी निकालते हैं, यूट्रस अगर है तो यूट्रस निकालते हैं और ओमेंटम निकालते हैं, और अगर लिम्फ नोड्स हैं तो लिम्फ नोड निकालते हैं। बट ये अगर इसको हम साइटोरिडक्टिव सर्जरी करेंगे तो ये सब को साथ में ही हम एक्स्ट्रा पेरिटोनियम जाते हैं, आगे पेरिटोनियम के लेयर के बाहर से एक अप्रोच होता है, हम एक्स्ट्रा पेरिटोनियम अप्रोच बोलते हैं। वो अप्रोच से ऑलमोस्ट जितना इन्वॉल्व पेरिटोनियम रहता है वो एटलीस्ट पेरिल्विक पेरिटोनियम तो निकालते हैं, साथ में ओमेंटम, ओवरी निकलता है, कभी कभी गोलब्लैडर निकालना पड़ता है, जो भी विजिबल डिसीज जो रहता है आँख से वो सब हम साथ में निकाल देते हैं। हम वो होने के बाद में हम डिसाइड करते हैं ऑन टेबल में कि जो डिसीज निकला है वो पूरा निकला है कि नहीं निकला है। अगर पूरा विजिबल डिसीज निकलता है हम उसको CC0 बोलते हैं, उसको साइटोरिडक्टिव सर्जरी में जो ग्रेडिंग करते हैं उस CC0 बोलते हैं। थोड़ा बहुत अगर माइक्रोस्कोपिकली बचता है किधर तो, या ऐसी जगह पर है जो हम नहीं निकाल सकते बट वो माइक्रोस्कोपिकली है तो हम उसको CC1 बोलते हैं। और किसी किसी पेशेंट में अगर बीमारी ऐसी जगह पे है कि जो सारा का सारा नहीं निकाल सकते हैं उसको हम डीबल्किंग सर्जरी बोलेंगे या फिर CC2 बोलते हैं। सो साइटोरिडक्टिव सर्जरी में और डीबल्किंग सर्जरी में एक्चुअली क्या डिफरेंस है? सो कोई सारे ट्यूमर में बीमारी बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको पूरा का पूरा सर्जरी जब नहीं निकाल सकते, बीमारी पूरा नहीं निकाल सकते उसको डीबल्किंग बोलते हैं। बट उसमें भी मैक्सिमम जो रहता है हम वो ट्यूमर निकाल देते हैं, और जो एक जो साइटोरिडक्टिव सर्जरी में हम जिसको CC0 बोलते हैं या CC1 बोलते हैं, वो कंडीशन में हम मैक्सिमम जो ट्यूमर सेल्स रहते हैं और प्रोबेबल साइट्स रहते हैं वो सारे का सारा क्लियर कर देते हैं। ये सर्जरी का ड्यूरेशन रफली कितना रहता है? ये टाइम ऑफ सर्जरी का एवरेज ड्यूरेशन 4 घंटे से 6 घंटा, कभी कभी 8 से 10 घंटा भी होता है। बट ये सब डिपेंड करता है कि पेशेंट का बीमारी कितना है, सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है और सर्जन का स्पीड कितना है, और आप कौन सा सेंटर में ऑपरेट कर रहे हो।
यूजली जो पेशेंट हाई वॉल्यूम सेंटर में ऑपरेट करते हैं, हाई वॉल्यूम सेंटर अगर हम बोलेंगे तो जो सेंटर में ये सर्जरी रेगुलर होता है और वो सर्जन एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी ट्रेंड है ये सर्जरी में, तो इसका रिजल्ट भी अच्छा रहता है और इसका सर्जरी का स्पीड भी अच्छा रहता है। ये सर्जरी का साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो मैं आपको सारा का सारा ये नेक्स्ट मेरे वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। और इसके बारे में सिर्फ इस सर्जरी के बारे में अगर और कुछ डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में कोई क्वेश्चन है तो डालिए प्लीज़। नमस्ते, थैंक यू।